आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने लिया यह फैसला। तो यहां पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक के लिए लगातार यहां पर संघर्ष रहित है, उनकी तरफ से जो है यहां पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन समेत अपनी 400 मांगों को लेकर ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी के द्वारा बुलढाणा महाराष्ट्र में पिछले 449 दिनों से लगातार भूख हड़ताल आमरण अनशन यहां पर जो है आरंभ है। लेकिन वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न उपायों को लागू किया जा रहा है और कोरोना वायरस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की तरफ से यह महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते बुलढाणा महाराष्ट्र में चल रहे हमारे जो उपवास तंबू में यहां पर भीड़ जुटाना हमारे लिए उचित नहीं लगता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारी योजनाबद्ध श्रृंखला उपवास जारी रहना चाहिए। हालाँकि 5 से अधिक पेंशन भोगियों का इस उपवास तंबू में इकट्ठा होना उचित नहीं होगा। उन्होंने साफ सफ़ेद रुमाल या मास्क को इस्तेमाल करना चाहिए और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। आइए इस संबंध में हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता और सरकार को समर्थन करें। तो इस तरह से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर 7500 न्यूनतम पेंशन समेत 400 मांगों को लेकर जो बुलढाणा महाराष्ट्र में यहाँ पर पिछले 449 दिनों से लगातार भूख हड़ताल आमरण अनशन चल रहा है, वहाँ के लिए एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कहा है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ अभी जो है हमें नहीं जुटानी है। भूख हड़ताल अनशन के जो तंबू यहाँ पर जो लगाया गया है उसमें यहाँ पर जो है केवल 5 से कम ही पेंशन धारक यहाँ पर जो है मौजूद रहकर लगातार रूप से यहाँ पर जो है भूख हड़ताल आमरण अनशन को यहाँ पर जारी रखेंगे। दोस्तों यही वीडियो जानकारी अब तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।